भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने बीती देर रात श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दुनिया के सबसे हल्के उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो के PSLV C44 रॉकेट ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा से भारतीय सेना का उपग्रह माइक्रोसेट और छात्रों का उपग्रह कलाम सेट लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इसरो ने बताया कि PSLV C44 ने सेना के उपग्रह माइक्रोसेट आर को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसरो ने 2019 के पहले मिशन में 28 घंटे की उल्टी गिनती के बाद रात 11:37 पर PSLV C44 ने उड़ान भरी। यह PSLV की 46वीं उड़ान है। बता दें कि PSLV C44 740 किलोग्राम वजनी माइक्रोसेट आर का प्रक्षेपण के करीब 14 मिनट बाद 274 किलोमीटर ध्रुवीय सूर्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। खास बात तो ये है कि इस उपग्रह को हाई स्कूल के छात्रों ने बनाया है और इसकी लॉन्चिंग मुफ्त में की गई है। पहली बार इसरो ने किसी भारतीय निजी संस्था का उपग्रह लॉन्च किया। इसरो की इस सफलता पर खुद PM मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।